हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है डार्क सर्कल। हमारे आंखों के नीचे जो कालापन है वो कैसे हम दूर करें। फ्रेंड्स, जब हमारे आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल होता है, बहुत कालापन रहता है, तो हम चाहे जो भी मेकअप कर ले, जैसे भी तैयार हो जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और हमें बहुत खराब लगता है कि हम किसी के सामने जाते हैं, कोई सामने वाला बोल भी देता है, यार आपकी आंखों के नीचे कितना डार्क सर्कल है, इसके लिए आप कुछ करो। खराब लगता है ना, तो क्यों ना हम इसको दूर करें। और बहुत जल्दी दूर हो जाता है अगर आप मेरी बात मानो। बात मानो कि आपको करना होगा, अगर आप इसको कर रहे हो, आपको डेली करना होगा ये, तो आपकी आंखों के जो नीचे कालापन है, डार्क सर्कल है, वो एक हफ्ते के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ये भी जान लीजिए कि आपकी आंखों के नीचे इतना कालापन क्यों है, आपके डार्क सर्कल क्यों हुए हैं। या तो हम देर तक टीवी देखते हैं, देर तक मोबाइल चलाते हैं, और हम टाइम से सोते नहीं है, हम पूरी रात जगे रहते हैं। पूरी रात जगने का मतलब कि हम देर रात तक जगे रहते हैं और देर तक चैटिंग करते रहते हैं, इसकी वजह से भी हमारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है। इसलिए हमें टाइम से सोना चाहिए और हमें कम से कम 7-8 घंटे तो नींद लेना ही लेना है, जिससे हमारी स्किन पे ग्लो भी रहेगा और हमारे डार्क सर्कल, हमारे आंखों के नीचे कालापन भी नहीं होगा। और कालापन इसलिए भी होता है कि जब हम बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसकी वजह से भी हमारे आंखों के नीचे कालापन हो जाता है। यार, टेंशन सभी को है और क्या किया जाए, टेंशन सबको होती, कोई भी ऐसा इंसान नहीं आज की दुनिया में जिसको टेंशन ना हो। आपको टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो आप अपना ध्यान वहां से हटाइए, गाने सुनिए, आप किताबें अच्छी अच्छी पढ़िए, तो इससे भी आपकी टेंशन दूर होगी। और दूसरी चीज ये होती है कि जब हम लोग पानी कम पीते हैं, पानी जितना पियोगे आपके फेस पे उतना ग्लो आएगा, और इस वजह से पानी की कमी से भी होता है हमारे आंखों के नीचे कालापन। धूप से भी हमारी स्किन जब जल जाती है, तब भी हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमारी एज ज्यादा होने लगती है, 35-40 के बाद भी हमारे आंखों के नीचे कालापन आ जाता है। खाने पीने से भी होता है, अगर हम अच्छा नहीं खा रहे हैं और हमारे शरीर को अंदर से पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जहां तक हो, हरी सब्जियां खाइए, बाहर की चीजें बहुत कम ही आप खाया करो, क्योंकि आप जितना भी तला भुना बाहर का खाओगे वो आपके स्किन पे ही दिखेगा, आपके स्किन पे दाग धब्बे होंगे, आंखों के नीचे कालापन होगा। तो आप ये करो, बाहर की चीजें कम खाया करो और घर की चीजें ज्यादा खाया करो। इन सब वजह से हमारे आंखों के नीचे कालापन होता है। तो आप अगर देर तक जगते हो, देर तक फोन पे लगे रहते हो, टीवी देखते हो, तो ये सब बंद कर दीजिए और आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और दूसरी चीज, तो मैं आपको होम रेमेडी आज बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। मैं आपको कई सारी होम रेमेडी बताऊंगी जिसे आप पर डे कर रहे हो, करके आपको छोड़ना नहीं है, तो आप खुद ही देखोगे कि एक हफ्ते के बाद आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हनी लिया है, आपको हनी ले लेना है और फिर अपनी उंगलियों से ही आपके जो आंखों के नीचे काले घेरे हैं, डार्क सर्कल्स, वहाँ लगा लेना है पूरी अच्छी तरह से। फिर 1 से 2 मिनट तक आपको उसको मसाज करना है, फिर आपको 1 घंटे तक इसे छोड़ देना है ऐसे ही। फिर 1 घंटे के बाद नॉर्मल पानी से आपको धुलना है और इसे आपको पर डे करना है, और कुछ दिनों में आपके काले घेरे, डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। दूसरी होम रेमेडी ये फ्रेंड, आपको आधा चम्मच हनी शहद लेना है, उसमें आपको बादाम रोगन ऑयल में मिक्स करना है, और वो भी आधा ही चम्मच आपको लेना है। ये भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमारे कलर को भी ये फेयर करता है, आप चाहो तो पूरे फेस पे भी इसे लगा सकते हो। अब इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है, ये जेल जैसा हो जाएगा, और आपके जहाँ भी डार्क सर्कल्स हैं, काले घेरे हैं, आपको वहाँ पे इसको लगा करके 2 मिनट तक मसाज करना है, और इसे भी आप 1 घंटे लगा के छोड़ दो। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से इसे धुल लीजिएगा, कुछ दिनों में आप देखोगे कि आपकी आंखों के नीचे जो काले घेरे हैं, डार्क सर्कल्स है, वो खत्म हो जाएंगे। और इसे आप चाहो तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, आपका कलर भी फेयर हो जाएगा, काफ़ी फेयर होता है, इसे कलर भी निखर के आता है। तो चलिए तीसरा बताती हूँ मैं आपको, तो मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, तो आपको बताती हूँ। आपको फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है, और ये देखिए मैंने ले लिया, इसे आपको ऐसे ही कट करना है। कट करने के बाद आपको इसे अपने आंखों के नीचे जहाँ भी डार्क सर्कल्स हैं, काले घेरे हैं, वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जब तक करना है तब तक कि इसका गूदा पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, तब तक आपको अपने आंखों के नीचे ऐसे कर, जब इसके अंदर का जेल खत्म हो जाएगा तब आपको 20 से 25 मिनट के बाद अपने नॉर्मल पानी से अपने फेस को धुल लेना। और ये देखिए मैं पूरे फेस पे लगा रही हूँ, आप चाहो तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, आपके जो दाग धब्बे होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे फेस। इसे भी आप डेली करना, आप चाहो तो 1 दिन में 2 बार कर सकते हो, और कुछ दिन में ही आप देखोगे कि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं, काले घेरे हैं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको 4 स्टेप बताती हूँ जो आपको नाइट में करना है, पर डे आपको करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको बादाम रोगन ऑयल लेना है, ये डाबर का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, और आपको केसर लेना है। दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। ये मैंने 2 महीने पहले सीरम बनाया था, और इसे लेकर के आपको जो भी एरिया आपका डार्क हो आँखों के नीचे, वहाँ लगाने के बाद आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करना है, जिससे आपकी आँखों में काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। और इसे आप लगा के डेली रात में आपको सो जाना है। आप चाहो तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, अगर आपको अपना कलर फेयर करना है। फिर तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको जो 4 चीजें बताई हूँ, चारों में से आप कोई एक चीज भी कर रहे हो ना, तो आपके जो डार्क सर्कल्स है, आपकी आंखों के नीचे जो कालापन है ना, बहुत जल्दी आपको बाय करके जाने वाले हैं। तो आपको उसे पर डे करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको 1-2 चीज और भी बताती हूँ, जिससे आपके डार्क सर्कल्स, आपकी आंखों के नीचे कालापन बहुत जल्दी चला जाता है। आप आलू का जो रस होता है, आलू का जो पानी होता है, उसे आप आंखों के नीचे लगा लीजिए, बहुत जल्दी आपके आंखों के नीचे कालापन चला जाएगा। अगर आप आलू के कद्दूकस करके, आलू को ही लेकर के अपने आंखों के नीचे रख के 15-20 मिनट लेट जाओ, तो इसको पर डे आप कर रहे हो तो भी बहुत जल्दी आपके आंखों के नीचे का काला घेरा चला जाएगा। दूसरी चीज, आपको टमाटर लेना है और थोड़ा सा आपको खीरा लेना है। दोनों को मिक्सर में आप पीस लो और उसे एक क्वार्टर में डिप करके आप लगा करके 15-20 मिनट अच्छे से आराम करो, सो जाओ क्या, बंद करके थोड़ी देर आराम कर लो। इससे भी आपकी आंखों के नीचे जो काला घेरा है ना, जो डार्क सर्कल है, वो भी बहुत जल्दी चला जाएगा। कच्चा दूध आप ले लो, कॉटन में डिप करो और उसे अपने यहाँ पे लगाते रहो, आंखों के नीचे जहाँ डार्क सर्कल से आपके काले घेरे हैं उसको आप लगाते रहो। कम से कम जब वो सूख जाए फिर आप डिप करो, फिर लगाओ, ऐसे कम से कम 15 बार आपको करना है। और 15-20 मिनट आपको छोड़ देना, फिर नॉर्मल पानी से आप धुल लो। ये आप पर डे कर रहे हो तो आपकी आंखों के नीचे कालापन चला जाएगा, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है नेचुरल ब्लीच का काम करता है, इस वजह से भी हमारे काले घेरे चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कई चीजें करके भी दिखाई है, कई टिप्स मैंने आपको बताए हैं, इसमें से आप कोई एक टिप्स कर रहे हो, पर्डे कर रहे हो, तो आपके आंखों के नीचे काले घेरे, जो डार्क सर्कल से, वो सब चले जाएंगे। और आपको एक ये भी करना है कि आपको खुश रहना, आप जितना खुश रहोगे ना, आपके फेस पे उतना ग्लो आएगा, उतना साइन करेगा कि आप अपने लिए टाइम निकालोगे। आप सबके पीछे दौड़ते रहते हो, घर में बच्चों के पीछे दौड़ते हो, दिन भर काम लगे रहते हो, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता कि आपने आज इतना काम किया, तो फिर उसमें से आपको फ्रेंड्स आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। मेरे पास भी घर परिवार है, मुझे घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, अपने को भी देखना होता है। और आप अपने से प्यार नहीं कर रहे हो, अपनी स्किन से प्यार नहीं कर रहे हो, अपनी स्किन को देख रेख नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आप सबके लिए करते हो, अपने लिए भी टाइम निकालो और अपने लिए भी करो। और दूसरी बड़ी बात कि आपको चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दो। जिस दिन आप ध्यान देना बंद कर लोगे ना, दूसरे वाले का मुंह खुद ही चुप हो जाता है, मैंने तो देखा है कि। तो कोई कुछ भी कह रहा आप उसे कहने दो, और ज्यादा कोई कुछ बोलता तो आप कह दिया करो, मैं जैसी हूँ अपने लिए अच्छी हूँ, तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अब यही बोलूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।